अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको दूसरा रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्मीद करता हूँ आप सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे, रोज़ा अच्छा जा रहा होगा, कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, और इबादत भी आप लोग कर रहे होंगे, और अल्लाह ताला से आप करीब होते जा रहे होंगे उम्मीद है। और आप सब दुआओं में याद रखें हमें, हम आपको भी दुआओं में याद रख रहे हैं। बस आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ ज़िंदगी भर जुड़े रहना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आज का थोड़ा जो प्लान है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी हम देने वाले हैं अपने एक कज़न हैं उनको सरप्राइज़। ठीक है, उनके घर हम जाते रहते हैं, अभी आप जाएंगे तो आपको बता देंगे। अभी तक का तो प्लान यही है कि हम बनाते हैं बिरयानी, बस फिर चलते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले नमाज़ पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी, जल्दी जाए नमाज़ पढ़ें। मैं भी उठ के फ्रेश हो गया, नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। भाई नमाज वमाज से फारे हो गए हैं और मैं भी काम कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी जाना है, लेट हो गए इफ्तारी बनाने में। बिरयानी की सब चीज़ें रेडी कर ली हैं, आए दिखाता हूँ आपको मैं। आज हम जायकेदार मसालेदार बिरयानी बनाने लगे हैं। हमने 3 किलो चिकन ले ली है, 3 किलो सेला चावल ले लिए हैं, और आधा किलो आलू ले लिए हैं, ठीक है, और टमाटर ले लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के, और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली हैं, ठीक है, एक बड़ी पतीली ले ली है, और चावल उबालने के लिए हमने पानी गरम कर लिया है। ठीक है जनाब, तो अब हम शुरू करते हैं। और मसाला इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना ज़ाती बना हुआ, ठीक है, हम कोई कंपनी का मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। आइए दिखाता हूँ आपको। मसाला जो है वो दम पे रख दिया है, बिरयानी नहीं मसाला, और फटाफट से तैयार होते हैं, हमें देर हो रही है। मसाला रेडी हो चुका है, अब दम लगाते हैं जल्दी से। भाइयों चावलों की तह लगा ली है, अब इसमें मसाला डालते हैं। इसी तरह से करके आपने तह लगानी है, तह लगाते हैं कंप्लीट पूरी, फिर आपसे मिलते हैं। पूरी तह लगा ली, अब इस पर डालेंगे जर्दे का रंग, इसको ढक्कन लगा रहे हैं और दम लगाएंगे कज़न के घर पे जाके। के भाइयों लेट हो गए हैं, अजान हो चुकी है फाइनली, रोज़ा खुल गया है, हम देर हो गए हैं घर पे ही हैं, फिर भी हम निकल रहे हैं रास्ते में, अब जल्दी फटाफट पहुंचेंगे और रोज़ा खोल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, जल्दी करो, जल्दी जूस पहनो यार, देर हो गई है। खोल लिया, बस फटाफट से निकल रहे हैं, बस जूते पहन लें, जल्दी करो जल्दी करो यार, चलो आ जाओ जाओ, पहन लिया भाई जूते, चलो। भाइयों बाबा जो है ना हैवी ड्राइवर बन गए हैं, फुल देर हो गई है ना, तो तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, फुल कोई 80-80 की स्पीड हो गई है। ठीक है भाइयों, डर लग रहा है अभी, ऐसे फुल कटिंग शटिंग मार रहे हैं। ओए 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 भाई साहब, शॉर्टकट आ गए बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल रास्ते में आए सीधा मलिक। और ये बस हम पहुंच गए हैं, तो भाई दरवाजा खोलो, चलो भाई पंजे 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 भाई, अब मेरा बैग ले आना, चलो पंजी गड्डी थे लगा लो, गड्डी थे लगा ये रह गया, खाना निकाल लो, लॉबी उनके लिए लो। भाइयों खाना ले लिया है, जल्दी से लिफ्ट ले लो, वहाँ जल्दी लिफ्ट बटन दबाओ, जल्दी 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 छोड़ो, मैं ऊपर जा रहा हूँ ऐसे।
उसको रोक के रखो, जल्दी आए। दबाओ फर्स्ट, दबाओ फर्स्ट। मम्मी रहते हैं। क्या कर रहे हो? फटा फटा क्या करते हो? डांट पड़ गई। देखो लोगों ने अपनी करो, देखे लोगों ने अपने चप्पलें लगा दी। बुरी बात है। वही है ना। हाँ यहाँ पे सब पैसे हैं। हजार किलो। नहीं देखो हजार किलो, तुम आइयो ना हजार किलो। लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हो रहे चले भाई चले, यहाँ रखते हैं, जल्दी से इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी लग चुकी है। चलो इफ्तारी करते हैं। आप लोग भी आ जाएं, क्यों खड़ी हैं? जल्दी बैठ जाएं भाई। अपुन के फेवरेट दही बड़े। दही बड़े उसके अंदर डालते हैं छोले। और इसमें डालते हैं पापड़ी। ये हमारी बन गई स्पेशल चाट। भाई बहुत मजे का बने। ये मैं जहांगीर मैंने दे दिया क्योंकि मैं खा रहा हूँ। आप भी खा रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, और ये फ्रूट चाट है, ये छोले हैं, ये दही बड़े हैं मेरे फेवरेट, और वो रहे पकौड़े। सब चीज़ें फटाफट से खाते हैं फिर मिलते हैं। तो देखें अभी प्याले में शुरू हो गई। चाहिए और? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। निजाब प्याले में ही, प्याले में शुरू। चलें भाई, इफ्तारी हो चुकी है भाइयों, और ये है व्यू। व्यू चेक करें। अबान क्या कर रहे हो? बाहर कूदना है, ये लोग नीचे बैठे हैं सारे। भाइयों इफ्तारी तो हो चुकी है और बड़ा मज़ा आया खा के। अब थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। अब देखते हैं बिरयानी कैसी बनी है। भाई जामी शीरी है ये? जामी शीरी है। और ये पाकोला है? पाकोला, पाकोला है। ओके सोडा पाकोला जो भी होगा। हाँ तो भाइयों थोड़ा आराम कर लेते हैं, और अभी तो हल्का फुल्का खाया है, बिरयानी खाएंगे सही से इंशाल्लाह ताला अच्छी बनी होगी। और सीन ये है कि अभी सब नमाज वमाज पढ़ रहे हैं, आराम सरा सुकून हो रहा है, तो मैं भी ज़रा सुकून कर लूँ, फिर नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर खाने की तैयारी करेंगे क्योंकि मुझे अब भूख लगना शुरू हो गई है। तो भाइयों जी तो पाकिस्तान देख रहे हैं और ड्रामे देख रहे हैं भाई सब बैठ गए। भाइयों अभी हमें मिली है चॉकलेट्स, तो फटाफट से चॉकलेट खाते हैं। चलो मज़ेदार बिरयानी तो दम पे रख दी, अबान को लग रही है भूख। जैसे बिरयानी गर्म हो जाएगी हम वैसे वैसे जल्दी से खाना खा लेंगे। ओके अबान। ओके। और छोकरी की देख रही है तू? नो रिलेशनशिप सिर्फ रमजान। वैसे हराम कर दे और रमजान पे हलाल बन जाओ। जहांगीर भाई को लग गई है नजर, तो उनके लिए उतार रहे हैं नजर। वो कैसे? कैसे? साबित मिर्चों से? सात साबित लाल मिर्चें, सात साबित लाल मिर्चें जला रहे हैं घुमा घुमा के। तो अभी देखें, और स्मेल भी नहीं आ रही, देखें मतलब नजर लग गई। अच्छा ये जुबैदा आप, आपको एक वो बता रही है नुस्खा कि अगर इसमें धास ना आए तो इसका मतलब नज़र लग गई है। तो नज़र लग गई है भाई। किसकी लगी है ये? अब नौशीन आप ही जहांगीर भाई से पूछना पड़ेगा। नौशीन आप ही जहांगीर भाई से पूछना पड़ेगा किसने लगाई है। क्यों बिरयानी तो गर्म कर ली है लेकिन खाना अभी नहीं लगा रहे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि 10 बजे तक खाना लगाना। हम खाते हैं थोड़ी देर आसरा करने के लिए फ्रूट चाट। हम फ्रूट चाट खाएंगे बानोर में। ओके तुम्हें नहीं खानी फ्रूट चाट? छोले खा लो, समोसा खा लो,
चाट खा लो, 10 बजे खाना लग जाएगा। खा लो भाई खा लो, प्लीज कुछ खा लो। आओ चलो छोले खा लो। खाना खा लो। शुरू भी हो गई। डराना नहीं था। चलो भाई हम भी निकालते हैं फ्रूट चाट। मैं इसका आदमी नहीं पहना हुआ तो एक एक इसमें डालेंगे पापड़ी। नहीं वो रे जो अच्छे लगते हैं ये अच्छे। इट्स सो कूल। फ्रूट चाट मैं तो फ्रूट चाट नहीं खाऊंगी। मैं चिप्स लेती हूँ। ये देखो एक चिप्स लिया उसके ऊपर मैंने फ्रूट चाट चमचे से रख दी। अब हम इसमें डालेंगे। ओके अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे छोले। ये बन गई मिक्स फ्रूट चाट। 500 रुपए की प्लेट है ये। ओ सॉरी कप खाते हैं नहीं क्यों खोलने आए। आपको मैं दिखाता हूँ हमारे जहांगीर भाई आर्टिस्ट हैं आर्टिस्ट उनका रूम दिखाता हूँ। और उनके रूम के बाहर उन्होंने हमारी खुदको की पिक्चर बना के लगाई है। देखें ज़रा बिल्कुल एग्जैक्ट बचपन की उनकी पिक्चर है वो देखें आप। ये देखें इनका आर्ट चेक करें आप। इन्होंने खुद बनाई है हमारे जहांगीर भाई ने। और ये हम इनके रूम में आ गए हैं खोलो। और ये देखें भाई ये चेक करें आप ये सब इन्होंने खुद बनाए। सब खुद बनाया इन्होंने सारा आर्ट। ये रिसेंटली बनाया है इन्होंने। और ये देखिए इतना प्यारा सा है ये की टांगने के लिए। और ये एक इनकी दोस्त हैं उनकी मम्मा ये क्राफ्ट करती हैं इस तरह से तो इन्होंने बनाया है उनके इन्होंने बना के दिया है ये भी सारे। हेलो। और ये बनाई है उन्होंने एक जादुई टेबल। इसके अंदर बहुत सी ये पूरा खुल जाता है। मैं जैकेट आओ ये लिखो ये खुल जाता है पूरा का पूरा। ये इसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हैं। मैंने ऑर्डर में बनाई है पूरी की पूरी। इसमें और भी नीचे जगह है ज़रा पूरा। इन्होंने कोई एक दो महीने लगे इस टेबल को बनने में। मैंने अपने यहाँ करीब से कारपेंटर से ऑर्डर देख के बनवाई है पिंटरेस्ट से देख के। ये पूरा सिस्टम इन्होंने बनाया है भाई साहब बिल्कुल मज़ेदार लग रहा है यार। मेरे बहन भाई जो हैं वो हैं इंटीरियर डेकोरेशन और मतलब इस टाइप के आर्ट्स के शौकीन। क्योंकि सब कोई तीनों में से एक ग्राफिक डिज़ाइनर है तो एक आर्टिस्ट है तो एक कुछ है मतलब सब इसी फील्ड से रिलेट करते हैं। तो भाइयों माशाल्लाह से उन्होंने घर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। मैं ज़रा मुस्तफा को बुलाता हूँ। मुस्तफा ज़रा ना ये वाला आर्ट देखो इधर वालिया बनाया इन्होंने। एक तो इसको पुष्पा बनने की पता नहीं कौन सी लगी रहती है। जब देखो जो कहानी साला हर वक्त क्यों करता रहता है। अभी भी देखें इसकी गर्दन आप बंगाली। आप सब चेक करें बस लोग अपनी बालकनियों से जो हैं नीचे वो देखते हैं इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर से ना ड्यूप्लेक्स है ना तो इसमें ऊपर वाले फ्लोर से यहाँ से आप ये डाल सकते हैं नीचे सामान। रात में पानी की बोतल वगैरह चाहिए होती है ना उसके लिए। वाह भाई वाह भाइयों अब हम जा रहे हैं नीचे स्केट्स चलाने। अबान स्केट्स पहन लो। पहले मैं तो शूज पहन लूँ। अबान पहन लिए पाजी छेती पहनो छेती। तुम नहीं चला रहे हैं। ये हमारे सिंगर जरा जोर से गाना। किसको रख लूंगा अपनी बाहों में। इसको जाने ना दूंगा मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। चलो भाई सिम सिम। ओ भाई साहब आराम से गिर जाओगे। क्या हुआ जा रहे हो वापसी? कहाँ जा रहे हो? चलो 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 टू द होम टाउन। हम लोग लगा रहे हैं खाना। 10:30 हो गए हैं। आधा घंटा ऊपर हो गया और अबान नाराज हो गया। उसको बहुत भूख लग रही है भाई।
दोस्तों फुल देसी माहौल बना लिया है, डिश में नहीं निकाला है खाना, खाना हम इधर से निकाल के दे रहे हैं। क्या बदतमीजी है भाइयों, तुम मुखातिब कर रहे हो। अच्छा बहनें भी हैं, आप सब बैठ जाएं, तबर्रुक बट रहा आ जाएं। ये देख वाले को बुलाए हैं हमने स्पेशली निकालने के लिए, अभी सीख रहे देख से खाना निकालना, देख काट, फिर इंशाल्लाह अपना वो खोलेंगे ठेला। जो हम इतनी देर से बना रहे थे वो अब रेडी हो गई है और हम खा रहे हैं। ये अभी तक रखी हुई है मसाले वाली मिर्ची। भाई साहब मज़ा आ गया है भाई, बिरयानी खा के साथ में जूस पी पी के। लेकिन अब देखते हैं सहरी में क्या होगा, कि सहरी में हम लोग क्या खाते हैं। फेनी खा लेंगे अगर भूख लगी, क्योंकि अब भाई अगर हमने कबाब पराठा से भी कोई चीज़ खाई तो पूरा रोज़ा हमारा एसिडिटी में गुजरेगा। भाइयों आप लोग के रोज़ा इफ्तार कैसे जा रहे हैं, सहरी कैसी जा रही है, कॉमेंट बॉक्स में बताएँ। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को बोलते हैं एमू बेबी, एमू बेबी, समझ रहे हो, ये पीटीआई वाले हैं। गाइस अब लोग हम लोग निकल रहे हैं घर पे इस घर के लिए। अल्लाह खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये गांव वापस जा रहे हैं हम लोग, देख ही रहे हो पंजाब जा रहे हैं वो, देखो डायरेक्ट पंजाब मल्लो। गाइस हम लोग आ रहे हैं, पोर्टल दबाएंगे तो ये खुल जाएगी। गाइस इधर बटन भी होते हैं, हमको पता है आप गांव से आए हैं, वो पंखा भी चलता है। कोई भाई चलाएगा, फटाफट से आप गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं घर। कि आप लोग को पता है कि आज सैटरडे नाइट है, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना पप्पो के घर भी चलें, दूसरे पप्पो के घर, तब उनके घर आ गए। हमारे अब्बा ने ली थी 10 किलो लौकी, तो हमारा आज का इंतखाबी निशान बना हुआ है लौकी, वेयर इज़ लौकी, तो हमने सबको लौकियाँ देनी हैं। आप ये है हमारा इंतखाबी निशान। हाँ तो भाइयों पप्पो में से निकल लें, सामने ही ताया घर है, वहाँ जा रहे हैं देखने के, वो लोग उठे हुएंगे नहीं उठे हुएंगे, इस वक्त 1 बज रहा है रात का। अबान साहब को लगा दिया हमने लौकी की ड्यूटी पे। अबान अपने शूज़ पहन के आओ, जाओ शाबाश। अभी आए तो पता चला कि ताया वगैरह सब सो रहे हैं, तो सीन ये है कि भाभी कर रही हैं काम, सही है, तो भाभी के पास काफ़ी सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, तो भाभी हमारे घर से ही ना रोल्स और समोसे और बहुत जो एक डिलीशियस जो आइटम्स होते हैं ना रमज़ान की, जो मतलब फ्रोज़न जो आइटम्स होते हैं रमज़ान में, जो आपको मतलब मनपसंद खाने होते हैं, वो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये देखें कितना सारा ऑर्डर लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग, चिकन बॉडी रोल बन रहा है विद चीज़, सफाई और शफाफ तरीके से बनाया जा रहा है, वरना तो दुकानों पे कैसे बना दें, गंदा ही थे बिल्कुल बनियान पहन के। भाई भाई का शॉट डला हुआ है यहाँ पे आ रहा है। ये देखें भाइयों मक्खियों का जो है छत्ता बन गया दोबारा से, यहाँ पहले भी था अभी दोबारा यहाँ पे बना लिया दरख्त में। चलो चलो जल्दी खुदा हाफिज़। हम निकल लें घर के लिए फटाफट से। हाँ तो भाइयों सीन ये है कि फाइनली घर पहुँच चुके हैं, सहरी वहरी भी कर ली, कुकिंग से आए सब कुछ खा पी लिया, भाई ओके हो गया सीन, ठीक है। तो आज हम घर पे वो सहरी बनाएंगे नहीं, क्योंकि पेट हमारा फुल हुआ हुआ है, सब जगह खाते पीते आए हैं, तो सीन ये है कि आज अब सहरी तो बनेगी नहीं, तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। और एक बड़ी बैड न्यूज़ है कि हमारा जो 3 चूज़े थे, उन 3 चूज़ों में से 1 चूज़ा जो है ना ब्राउन एंड वाइट टाइप का मिक्स कलर में, उसका पाँव ना मुड़ गया, पता नहीं कैसे मुड़ गया है वो, अब पता नहीं क्या सीन है, वो तो कल ही मैं आपको बताऊँगा, अबान साहब उसका वो करेंगे मुआयना, उसके बाद बता सकेंगे क्या प्रॉब्लम है, वो हम आपको कल वाले ब्लॉग में बताएंगे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, रमज़ान में बात करें, हमारी हमें दुआओं में याद रखें, हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।